बॉलीवुड के जाने माने कपल नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या तलाक के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या को लेकर लगातार तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में टीवी एक्टर अली गोनी ने नताशा स्टेनकोविक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। अली गोनी ने दावा किया था कि नताशा स्टेनकोविक उनको परिवार से अलग करना चाहती थी। अली गोनी अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते, यही वजह है जो रातों रात अली गोनी और नताशा स्टेनकोविक ने अलग होने का फैसला लिया। इसी बीच अली गोनी और नताशा स्टेनकोविक का एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इस वीडियो में नताशा स्टेनकोविक के सामने जैस्मिन भसीन अली गोनी को प्रपोज करती नजर आ रही हैं। नताशा स्टेनकोविक और अली गोनी का ये वीडियो नच बलिए के समय का है। एंटरटेनमेंट न्यूज के गलियारे की माने तो उस समय अली गोनी और नताशा स्टेनकोविक ने एक्स के तौर पर नच बलिए में हिस्सा लिया था। इस दौरान जैस्मिन भसीन को नच बलिए के मंच पर आने का मौका मिला। आते ही जैस्मिन भसीन ने सबसे पहले नताशा स्टेनकोविक के सामने अली गोनी को प्रपोज कर डाला। वीडियो में जैस्मिन भसीन कहती नजर आ रही हैं, मैं अली गोनी से बिना किसी शर्त के प्यार करती हूं। अली ऐसा ही है, वो ऐसा लड़का है जिसके पीछे लाखों लड़कियां पागल हैं। उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं है, वो आंखों की आंखों में सबको घुमा लेता है। ये बात सुनकर अली कहते हैं कि ऐसा मत बोल, ये शो मेरी माँ भी देखती है। वहीं नताशा स्टेनकोविक नजर नीचे किए जैस्मिन भसीन की सारी बात सुनती नजर आ रही है। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। लोग हैरान हो गए हैं कि जैस्मिन भसीन ने अली गोनी को उनकी ही एक्स के सामने प्रपोज किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।